ब्रेकिंग न्यूज देवी और सजनों, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। कंडक्टर को बाहर बुला लिया गया है और फ्लाइंग के कुछ अधिकारी अंदर घुस गए हैं। तेरे को पता है यहाँ चेकिंग, तेरे को पता है यहाँ चेकिंग चल रही है, जो बसों की चेकिंग चल रही है, पता है तेरे को? चीफ विजिलेंस ऑफिसर आए हुए, चीफ विजिलेंस ऑफिसर HRTC। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया हैं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज राइड करने से ठीक पहले मैं पहुँच गया हूँ टोल प्लाजा पानीपत। ठीक है, यहीं से हमने राइड स्टार्ट करने का प्लान किया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन मैं आया, खड़ा हुआ तो देखा कुछ लोगों ने इस बस को हाथ दिया। मैं सोचा मैं कि सवारियाँ चढ़ती होंगी बस में, HRTC की बस है, सरका घाट डिपो की। मुझे लगा मैं शायद सवारियां चढ़ती होंगी, लेकिन देखा तो जो अंदर बैठी थी वो भी नीचे उतर गई। मैं क्या पता नहीं, ये पैनियर वाला गया भाई, देखो एक और। अरे क्या देख रहा है भाई? भाई चलो कोई नहीं, दुनिया तो देखती रहेगी। ये भाई यहाँ पे सारे यात्रीगण इसके उतर गए नीचे, ठीक है, एंड देन अचानक से चेक होने लगा तो मुझे समझ में आया, क्योंकि अभी तक हम हरियाणा में रह के सिर्फ हरियाणा वालों की फ्लाइंग बोले तो ये अधिकारी जो होते हैं ये चेकिंग के लिए बीच बीच में खड़े मिलते हैं, बसेस की चेकिंग होती है, कहीं जो आपका कंडक्टर है वो फेक टिकट्स तो नहीं काट रहा या फिर लोडिंग का मटेरियल तो नहीं लोड करके ले जा रहा। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इस टिकट कंडक्टर का कोई पर्चा वर्चा भरा जा रहा है या नोटिंग करें। ये देख एटीट्यूड, ये भाई अभी मुझे ये देख रहा है कि कर क्या रहा है। अच्छा मैं भूल गया कि मेरी स्क्रीन ऑन है और इसको दिखाई दे रहा है कि मेरी वीडियो चल रही है, मैं भूल ही गया था, क्योंकि पहले मैं दूसरा कैमरा यूज़ कर रहा था, उसमें फ्रंट में स्क्रीन नहीं थी, ठीक है ना। अब इसमें फ्रंट में स्क्रीन है तो इसमें पता लग जाता है हाँ भाई रिकॉर्डिंग चल रही है और कवर तुम्हें ही कर रहे हैं। तो भाई ये देख लो, ये तो हमारे यहाँ धुंध का आलम है और ये डेट है अपनी संडे फेब्रुअरी, मिड ऑफ फेब्रुअरी में अचानक से दोबारा सब मौसम साफ हो गया था, फिर एकदम से अब दोबारा इतनी धुंध हो गई, आज फिर ठंड है। और हमें बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज सुबह सुबह हम राइड करने के लिए निकल गए हैं। अब भाई एक बस को तो इन्होंने निपटा दिया। हाँ जी अंकल जी, कहाँ चलोगे? एक बस को तो निपटा दिया इन्होंने, अब शायद दूसरी का इंतज़ार है। चलो देखते हैं क्या करते हैं, अभी यहाँ से जाएंगे या क्या करेंगे, लेकिन देखेंगे। कुछ ऐसी बस मिले ना जो शुरू से फंसे। ओहो लो जी, जुबान बोले तो जुबान पे बात थी और पूरा कर दिया। ये लो देवी और सजनों, लाइव फ्लाइंग टीम और ये अंदर जाती हुई लाइव आप देख रहे हैं देवी और सजनों अपनी स्क्रीन पे। अंदर घुस गए हैं अधिकारी, सबकी टिकट चेक होगी, कंडक्टर को बाहर बुला लिया गया। देवी और सजनों ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज देवी और सजनों, आपकी स्क्रीन पे चल रही है। कंडक्टर को बाहर बुला लिया गया है और फ्लाइंग के कुछ अधिकारी अंदर घुस गए हैं, उधर से ड्राइवर निकल के बाहर आ गया है और देखेंगे अभी बड़ा क्या होने वाला है। भाई और ड्राइवर साहब किधर चल दिए भाई? चलो हम उतर के खड़े हो गए, देख लेते एक बार क्या बाइक पे बैठे बैठे सही कवर नहीं हो रही। भाई ये भी HRTC की हिमधारा करके बस है कोई, ठीक है। और अब मेरे ख्याल अंदर सबकी टिकट्स वगैरह चेक होके भाई पहली वाली को निपटा दिया। देखो ये सबको सीटियाँ मारा है कंडक्टर, भाई कोई बचाओ तो आगे बैठ जाओ। लो भाई फ्लाइंग अधिकारी बाहर आ गए हैं, ठीक है भाई। लेकिन ये जो ग्रे टी शर्ट वाला ना, इसका एटीट्यूड ज़बरदस्त है, ये थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा लग रहा है। अब ये डिक्की खुलवाया, पीछे डिक्की में कहीं कुछ सामान तो नहीं सप्लाई हो रहा, ये बात। लो भाई साफ है, साफ है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला भाई, गाड़ी साफ है। इसका मतलब HRTC के इस कंडक्टर और इस बस वाले ने काम सही से किया, ईमानदारी से किया है। और इसको ये एक बस को तो ग्रीन सिग्नल मिल ही गया है, ये तो अब जाने को तैयार है। थोड़ी देर में मेरे ख्याल अब इसका भी कुछ पर्चा वर्चा भर के इसको भी फारिग कर ही देंगे, लेकिन इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे, राइडर ना भाई हमारा नहीं है। तो इस पूरी वीडियो में हमने स्टार्टिंग से एंड तक ये दिखा दिया कि भाई ये करते क्या हैं, ठीक है। यहाँ से इन्होंने फिर इसका फॉर्म वॉर्म वगैरह भरवा दिया, अब इसके सिग्नेचर वगैरह जो भी करवाने वो सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर करा के फिर इसका क्या करेंगे इसको भी फारिग कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई कमी यहाँ भी मिली है इन अधिकारियों को। HRTC की बस हिमधारा
और ये सुबह सुबह के टाइम पे मेरे ख्याल ये मनाली साइड जाने वाली बसेज ही होंगी, सुबह सुबह ऐसी बसेज ही होती हैं। चलो भाई जो भी है सो है, हम अपने राइड पे फोकस करते हैं। राहुल कमीना अभी तक नहीं पहुंचा, याद करो शैतान को और पीछे से लाइट दिखी और ये रहा। साले टोपे टोपे लेट आता है, मौसम की कमाल होती यार। कमाल तो होता है ना भाई, नहीं होगा तू साले लेट है। तेरे को पता है यहाँ चेकिंग, तेरे को पता है यहाँ चेकिंग चल रही है, बसों की चेकिंग चल रही है, पता है तेरे को? चीफ विजिलेंस ऑफिसर आए हुए, चीफ विजिलेंस ऑफिसर HRTC। वो तेरे जैसे लोग जो माल नहीं डाल देते हैं बस में। अरे वो टिकट की जगह वो माल नहीं भेज देते, ये वो वाले लोग हैं, तो ये चेक कर रहे हैं कहीं कोई माल लोडिंग तो नहीं चल रही। फ्लाइंग का छापा, ना भाई साहब क्लीन चिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना देखो बोले ले ये ले पकड़ तू इन्हें। नहीं करते भाई, बहुत कम चांसेस होते हैं। प्राइवेट बस वाले तो बहुत करते, प्राइवेट बस वाले तो बहुत करते हैं। और सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह मनाली की बसेज बहुत जाती है ना, तो उनका मटेरियल बहुत डला होता है, तो इसलिए करते हैं। नहीं, वो ये खुलवा के देखते हैं दिक्कत। हाँ सब चल चलते हैं।